सोनालिया ज्वेलर्स रेलवे क्रॉसिंग के पास लगभग 30.97 अंडर ब्रिज पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बस्ती वासियों को हसदेव बराज जल संसाधन के द्वारा 135 घरों को 7 दिनों के अंदर में जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिससे बस्तीवासी अपनी भविष्य की चिंता को लेकर भयभीत हैं। क्षेत्र में निवासरत लोगों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि वो लगभग 30 से 40 वर्ष यहाँ पर रहते हैं उससे, और अब अचानक से हम घर खाली करके कहाँ जाएंगे, केवल हमें अधिकारियों के द्वारा 7 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जब से क्षेत्र में काबिज हैं तब से तत्कालीन सदा एवं वर्तमान में नगर निगम को टैक्स भी पटाते आ रहे हैं। सरकार से उचित मुआवजे की मांग भी उन्होंने की है। अब नोटिस ऐसा है कि इसमें 7 दिन के अंदर खाली करने के लिए बोल रहे हैं, और हम लोग यहाँ लगभग 20 से 22 साल से रह रहे हैं, गोदाम को भी लगभग 15 साल हो गया है, और सभी चीज़ टैक्स वगैरह बराबर पड़ता है, और अचानक से 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर कहाँ से खाली करें, कहाँ जाएं, ना कोई सूचना है ना कुछ, सीधे नोटिस दे दिए हैं 7 दिन के अंदर खाली करो। तोड़े के नोटिस आए हैं। कितना दिन से रहा था? मतलब 40 साल हो गए हमारा रहा। कितना दिन के नोटिस आया? ये 7 दिन के। बारिश होए वाला है, ऐसे में आपको कहाँ जाइए? हाँ, आप कहाँ जाओ भाई, सरकार है बतावा, हमारा जगह बतावा, सरकार है यहाँ जाबो वहाँ, हमारा मतलब मुलाजा देवा है। कोई बात नहीं है, लेकिन अब करना चाहिए सरकार ला मुलाजा दे बर, गरीब आदमी कहाँ जाए, कोलम फेट कहा है, जंगल में फेट कहाँ का। सिंचाई विभाग से आया है कि घर को मकान को खाली करने के लिए, दुकान मकान को, तो उसके बाद 7 दिन का समय दिया गया है, और 7 दिन के बाद खाली करने के लिए दिया गया है, तो हम लोग 7 दिन में क्या कर सकते हैं, और आज 40 साल के निवासी हैं यहाँ पास का, तो हम लोग सरकार से जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो कलेक्टर महोदय जी हैं, हमारे आयुक्त जी हैं, उनसे सबसे मेरे को विनती है कि हमको अपना मकान और जो हमारा मुहैया है वो करा जाए। हम आप उनसे यही विनती करते हैं।